my dad's making it hurt. तो हेलो गुड मॉर्निंग गाइस, सबसे पहले तो आप सभी को गुड मॉर्निंग। और दोस्तों आज मैं अपना ब्लॉग यहां दुर्गापुर से शुरू कर रहा हूं, जो मेरे घर से 20-22 किलोमीटर डिस्टेंस में है। मैं 20-22 किलोमीटर आगे आ चुका हूं और यहां पे हाईवे से मैं ये ब्लॉग शूट कर रहा हूं आज का। और जो डिस्टिनेशन है वो है बर्धवान का, ये बर्धवान वेस्ट बंगाल में पड़ता है। कोलकाता 174 किलोमीटर, बांकुड़ा 60 और खड़गपुर 175 किलोमीटर दिखा रहा है। तो हमें इन तीनों जगह में से कोई भी जगह नहीं जाना है। यहाँ से नहीं नहीं तो गाइस राइड अब स्टार्ट है। अब हमारा ग्रुप आ चुका है, मैं तीसरे नंबर पे चल रहा हूँ और कुछ हमारे बंधु हैं जो कार में हैं, जो लीड कर रहे हैं हम लोगों को। स्पीड यहाँ पे बढ़ चुका है, 90-100 का स्पीड अभी हम लोग जा रहे हैं। 1-2-3 और अभी आप पीछे मिरर में देख सकते होंगे और भी बंदे आ रहे हैं मेरे बैक साइड में। आप स्पीड देख सकते हैं और मुझे यहाँ पे कम करना होगा क्योंकि सामने वाला बंदा स्पीड हो गया। मुझे 3 नंबर पे ही अपना पोजीशन बना के चलना है, नहीं तो मैं इसको 134 तक भी लेके गया हूँ। अभी जहाँ पे हमारा डेस्टिनेशन था वहाँ पे आ गए हैं। हाईवे से ये करीबन 30-40 किलोमीटर अंदर था, जितना हमने हाईवे पे राइड नहीं किया उससे ज़्यादा हमने अंदर राइड किया है। 11 बज चुका है, आते आते 10 बजे तक आने का था। और आप पीछे जितना भी देख रहे होंगे ये पीछे बाइक सबका है, सब सारा अपाची का बाइक वगैरह है। और यहाँ पे कोलकाता के भी राइडर आए हुए हैं और आसनसोल से भी राइडर आए हुए हैं। और यहाँ पे हमारा क्रिकेट होगा, देख सकते हैं यहाँ पे क्रिकेट का है। बाकी बाइक वगैरह पार्किंग वहाँ पे लग चुका है और आगे वहाँ पे हमारा लगने वाला है, बैग वगैरह रखा है। तो चलिए आगे आपको बैग वगैरह दिखाते हैं। तो यहाँ पे बैग वगैरह रखने का अरेंजमेंट किया गया है। ये हो गया स्पीकर्स, यहाँ पे चेयर्स वगैरह, यहाँ पे ब्रेकफास्ट वगैरह यहीं पे होगा। तो ये सारा अरेंजमेंट किया गया है टीवीएस की तरफ से और यहाँ पे भी बैठ के ब्रेकफास्ट वगैरह होगा हमारा। और यहाँ पे भी कप वगैरह है। ऐसा ही है टीवीएस एओजी अपाची ओनर ग्रुप का कुछ इवेंट, स्लो रेस वगैरह भी होगा और अभी ब्रेकफास्ट होने वाला है तो ब्रेकफास्ट का भी आपको दिखाऊंगा। और ये पीछे क्रिकेट का लग रहा है तैयारी हो रहा है। करीबन 40 बंदे आए हुए, 40 बाइक है और उसके बाद पिलियन भी है, तो कुछ ज़्यादा भी हो सकता है, 50 के लगभग में बंदे आए हुए हैं। बाइक चलिए आसलो,
हमें जो बोलिए ना दूध पानी या कौन इना दूध दूध पानी सोचते निक पान दूध ये रखो शब्द को आगे शब्द राइट है विभिन्न आज हमारा शब्द ये अनेक रकम एक्सक्यूज दी जिन्हें शोरी खारा बच्चे इतना तेरी होती चेना विभिन्न आपको राइट मिस कर लियो ठीक है जी he is an inspiration I say this to a very few people he is an inspiration to me I get inspired seeing him at least amar kono bahana lagbe na sokale uthe ghum theke uthar shomoy amar kono bahana lagbe na je ami ride e jabo na अभी स्लो रेस हुआ था जिसमें विनर मैं हूँ 160 से विनर है भाई विनर तो आज तीन एक्टिविटीज़ हुए थे क्रिकेट हुआ था और मोटोक्रॉस फिटनेस हुआ था और एक था स्लो रेस तो मोटोक्रॉस फिटनेस में ये था कि आपको पांच डिप्स मारना है और पांच पुश बीम टालना है और जो वेट था वो करीबन 10 से 15 केजी के आई थिंक था क्योंकि वेट थोड़ा मुझे भारी लग रहा था और उसके बाद मोटोक्रॉस फिटनेस था कौन रखा हुआ था जिसमें आपको फोटेज देखने को मिल जाएगा उसको क्रॉस करके जाना था और ये तीनों काम सबसे पहले जो करेगा उस वही विनर होगा तो इसमें मैंने कंप्लीट किया था 47 सेकंड में और स्टार्टिंग विनर का मैं ही मेरे से ही स्टार्ट हुआ था
मतलब पहले जो भी बंदे जा रहे थे वो फेल हो जा रहे थे, मतलब कौन में ही वो आउट हो जा रहे थे, कंप्लीट नहीं कर पा रहे थे। तो मैंने भी बोला कि भाई ये किसी से होगा नहीं, इससे छोटा बड़ा करो, थोड़ा डिस्टेंस कवर हो कि मोटो बाइक घुमाने में आसान हो। तो वो बोल रहे थे नहीं भाई इसी में करना है। तो स्टार्टिंग जितने का मैंने ही किया था, तो और वो भी कम सेकंड में जल्दी मैंने ही किया था, 47 पॉइंट कुछ समथिंग था। उसके बाद 52 या 53 सेकंड ऐसे ही करके तीन बंदे इसमें विनर हुए थे, तो उसमें से फर्स्ट में ही आया था। तो उसके लिए एक मेडल है और आप स्क्रीन पर देख सकते हैं कि किस टाइप का मेडल मिला हुआ है टीवीएस एओजी के साइड से। और दूसरा था स्लो रेस, उसमें भी विनर में हुआ, क्योंकि स्लो रेस में जो भी विनर हो रहे थे उसको एक जगह किया गया, जितने भी करीबन 40-50 बंदे थे सब ने अपने अपने बाइक से रेस किया था। 160 का 160 से ही स्लो रेस होगा, 180 का 180 से, 164V का 164V से, 200 का अलग, 310 का अलग, ऐसे करके हर एक बाइक का स्लो रेस हुआ था। उसमें जो था विनर जितने भी निकल के आ रहे थे, फिर विनर से ही फिर से रेस करवाया जा रहा था स्लो रेस। करीबन 4-5 राउंड स्लो रेस हुआ, तब जाके मैं उसमें विनर बना हूँ। और भाई मैं तो उनको बोल रहा था भाई एक बार तो गलती से जीत गया, क्या आप मुझे हरवा के छोड़ोगे क्या, अब छोड़ तो जीत गया। तो बोले नहीं, जितने विनर हुए उसमें से भी फिर करवाया गया, तो उसके बावजूद भी मैंने एक जीता है, मेडल जीता उसका भी है, और भी काफ़ी सारे चीज़ जीता। क्रिकेट भी हम लोगों ने विन किया, जिसमें वो आसनसोल वर्सेस कोलकाता हो रहा था, क्योंकि कोलकाता के राइडर और आसनसोल के भी राइडर थे। उस वो वर्ल्ड वो जो कप है, वो जो कप मिला है, जो कप हमने जीता है, वो आसनसोल का जो टीवीएस का पीएसजी शोरूम है उसमें रहेगा। तो तीनों में ही विनर है, काफ़ी मज़ा आता है यार, एक एक्साइटमेंट है। और उसके साइड से टीवीएस के साइड से एक टीवीएस का कप मिला है, स्क्रीन पर देख आप देख सकते होंगे कि ऐसा कप है, ये कहीं बिकता नहीं है, ये कमाना पड़ता है, ये एओजी में ही आने के बाद मिलता है विनर वगैरह को। तो एक टी शर्ट मिला है, आप टी शर्ट भी देख सकते हैं, इस तरह का मिला है। और मैं उनको भी पता नहीं था कि भाई एक बंदा दो दो तीन तीन चीज़ में विनर होगा, तो उन्होंने एक टी शर्ट अलग से, और जो ऑफिशियल टीवीएस का वेबसाइट है उस पर वो टी शर्ट का प्राइस समथिंग 1400 या 1500 के आसपास है, आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, मैं उसको स्क्रीन पर लगा दूंगा। तो एक वो टी शर्ट मुझे मिलना भी बाकी, उन्होंने बोला कि मैं आपको थोड़े दिन बाद दे दूंगा, वहाँ पर था नहीं वो टी शर्ट। एक वाइट वाला टी शर्ट मिला है जो यहाँ पे भी आप देख सकते हैं, बाकी मेडल मिला है और बाकी ये सब भी, और भी बहुत कुछ मिला है, नेक्स्ट ब्लॉग के लिए रहने दीजिए, कभी आपको और भी बताऊँगा। तो ये सारा चीज़ हुआ, काफ़ी मज़ा आया। तो चलिए आज का ब्लॉग यहीं पर ख़त्म करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए राइड विथ बाइक।